मेष राशि, सेहत की और मन की तमाम समस्याएं आपकी इस समय दूर होंगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी। नए काम का अवसर इस समय आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए इस समय तैयार रहें। बेवजह का क्रोध इस समय ना करें और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान आप कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। खूब सारी खरीदारी करेंगे आप और आपके परिवार में आपके रिश्ते बेहतर होंगे। भगवान शिव को एक लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। इस समय अपने महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा वरना किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। अपने स्वभाव पर थोड़ा ध्यान रखें, स्वभाव के मामले में गड़बड़ी मत करिए। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। सेहत में लापरवाही नहीं करेंगे। करियर में थोड़ी बाधा आ सकती है और इस समय वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। वाहन या कीमती सामान आप खरीद पाएंगे। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70
70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, आपकी नौकरी में सुधार होने की बेहतर संभावनाएं हैं, करियर में आपको लाभ होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और आपकी पारिवारिक समस्या भी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं, चोट चपेट से आपको इस समय बचना होगा। परिवार में शांति बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। चावल का दान कर दें किसी गरीब आदमी को तो दिन की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का लाभ होता दिखाई दे रहा है, कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी, लेकिन इस समय अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। भगवान शिव को अगर एक लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।